Radio.com, विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र के जो महामंत्री हैं चंपत राय जी अलीगढ़ पधारे हुए हैं। तो अलीगढ़ पर उनका कार्यक्रम है ताला नगरी में रसिक टावर पर। तो उनके क्या विचार हैं राम जन्मभूमि को लेकर के और जो श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसको लेकर के, तो आइए जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विचार और है कि रामनवमी के दिन दोपहर में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ चैत्र शुक्ल नवमी को, तो ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि दोपहर को सूर्य देवता की किरणें भगवान के मस्तक को प्रकाशित कर दे और इस तरफ वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनको भरोसा है कि हम ये काम कर लेंगे। देखिए हमारे लिए एक नई बात है, लेकिन ऐसा चल रहा है। इस मंदिर को एक चार दीवारी से घेरेंगे, चारों तरफ एक चार दीवारी होगी। उस चार दीवारी को परकोटा शब्द दिया है मंदिरों में। परकोटा शब्द मंदिर की टेम्पल लैंग्वेज में है। ये परकोटा ये एक दीवार नहीं है बल्कि एक मार्ग है, 14 फीट चौड़ा, चारों तरफ 1 किलोमीटर लंबाई का आयताकार। इसके चारों कोनों पर एक एक मंदिर होगा और दो दिशाओं में, दो भुजाओं में दो मंदिर होंगे। इस परकोटा भी पत्थरों से बनाएंगे। ऐसा लगता है इसमें भी 8 लाख से 9 लाख घनफुट पत्थर लग जाएगा, समा जाएगा। तो अगर 9 और 4 13 13.5 और 7 ऐसा लगभग 20 लाख घनफुट का ये संपूर्ण स्ट्रक्चर बनेगा। तीर्थयात्री आएंगे तो उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधाएं, कई मोबाइल रखेंगे, जूता रखेंगे, फोन रखेंगे, कुछ रखेंगे। 25,000 लोगों के रखने की सुविधाओं की व्यवस्था फर्स्ट फेज में विचार की है। आवश्यकता के अनुसार उसको 3 गुना तक करने का प्रोविजन रखेंगे। इतने लोग अगर आ गए और 4-6-8 घंटे रुक गए तो उनके सामान सुरक्षित रहेंगे। 2 दिशाओं से लोग आ रहे हैं तो आपस में टकरा जाए, कोशिश की गई है इस तरह से रचना की जाए कि एक रास्ता चल रहा है, दूसरा रास्ता ऐसा किया जाए कि अपने सामान तक भी पहुंचाए और कहीं टकराए नहीं। आर्किटेक्ट इंजीनियर्स इन लोगों ने मिलकर अच्छा विचार किया। अब जैसे मैंने कहा भाई कोई काम जनता की कृपा से चलना चाहिए, समाज, तो आपको सबको मालूम है कि जब ये बात चली पैसा कहां से आएगा। तो मुझे कई लोगों ने कहा चिंता मत करना, इतना तो हम ही दे देंगे। मैंने उन्हें न प्रसन्नता व्यक्त की न दुख व्यक्त किया, लेकिन उनसे लिया भी नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं। देना तो अपने आप होता है, हम ही मांगने जाएंगे तो आपका क्या देना है। और आपको सबको मालूम है कि आपने अलीगढ़ में भी इकट्ठा किया होगा, देश ने 10-10 रुपया 100 रुपया 1,000 रुपया करके उतना दिया है जितना हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने इसका गणित लगाया और ऐसा लगाया कि लगभग 10 से 11 करोड़ के बीच में जनता ने दिया है कुछ न कुछ। 10-10 रुपया भी दिया है तो 10-10 रुपया देने वाले भी 4.5-5 करोड़ लोग अगर है देश में तो किसका नाम छोड़ेंगे। इसलिए वह किसी का नाम नहीं, ठाकुर जी का नाम है बस।
10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, इसी तीन तरह के कूपन थे और बाकी रसीदें थी। शेष आप लोग जानते होंगे हरकुआगंज में यहाँ कितना, किस तरह से किन लोगों ने इकट्ठा किया। और हमने लिखा था कि हम किसी से दान नहीं मांग रहे, बल्कि हम लोग आरती कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, तो इस समर्पण शब्द था वहां कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, आरती की थाली में मंदिर में जाते हैं तो लगा थोड़ी रहता है 11 रुपये डालिए, जो इच्छा होती डाल देते हैं, 1 रुपया, 11 रुपया, 1 रुपया अच्छा वाला डाला कि फटा हुआ नोट डाला, ये भी कौन देखता है। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन शब्द था, इसलिए इस कार्य के लिए समाज ने दिया है और इतना दे दिया है कि मुझे लगता है 5 साल तो दोबारा किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।